अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के इस आयोजन के अवसर पर मंच पर उपस्थित परम आदरणीय गणी राजेंद्र विजय जी मेरे बहुत ही आत्मीय परम सम्माननीय इमाम डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी जी, हमारे परम आदरणीय फादर साहब और हमारी भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आठवले जी, अभी हमने अंजान जी को सुना और सबसे पहले मैं भाई डॉक्टर शमीम को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आज के इस दौर में समय समय पर ये इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से मानवाधिकारों की बात, सामाजिक न्याय की बात, सांप्रदायिक सद्भाव की बात और शांति और अमन और भाईचारे के लिए जो कार्यक्रम आयोजन करते हैं सचमुच में वे बधाई के पात्र हैं। और इनके इन कार्यक्रमों की गूंज दूर तक इतनी फैली कि इस मंच पर यूनाइटेड नेशंस अमेरिका से डॉक्टर राज भयानी, जो एक इतना बड़ा सेवा के क्षेत्र का नाम है, वो हम यहाँ पर खींचे चले आए हैं सचमुच में इसलिए कार्यक्रम की कमी। मानवाधिकारों की बात करते हुए सबसे पहले, क्योंकि मैं जिस जैन धर्म से यहाँ पर उपस्थित हूं, भगवान महावीर ने, और मैं भाई अंजान जी का ध्यान खींचना चाहूंगा कि उन्होंने केवल मानवाधिकार की नहीं, आज से 2600 वर्ष पूर्व उन्होंने जीवाधिकार की बात की। और उन्होंने केवल जीवाधिकार की नहीं, उन्होंने अजीवाधिकार की बात की और उन्होंने कहा पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति और हम सब प्राणियों का अनावश्यक जो है, किसी का भी जो है शोषण नहीं होना चाहिए और किसी को मारना काटना नहीं, मानसिक रूप से ठेस पहुंचाना भी वह हिंसा है। यह हमारे यहां पर 2600 वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने कहा, बुद्ध ने कहा, यह उन महापुरुषों की धरती है। इस मंच से धर्म की भी बात की। दरअसल कठिनाई क्या है कि धर्म को हमने सही मायनों में नहीं समझा और हमने ऐसा गड़मगर कर दिया कि हमने धर्म और संप्रदाय को एक मान लिया। मैं अंजान जी से भी एक प्रश्न करना चाहता हूं, क्या उनका अहिंसा में विश्वास है कि नहीं? वो कहेंगे है मान मुनि जी, अहिंसा में क्यों नहीं विश्वास है, और यही तो धर्म है। आपका ईमानदारी में विश्वास है कि नहीं? कि बिल्कुल है, यही तो धर्म है। वह क्या कठिनाई, धर्म के तीन आयाम हुआ करते थे, उपासना, नैतिकता और अध्यात्म। कठिनाई यह है कि हमने केवल उपासना को धर्म मान लिया। मंदिर में जाते घंटा बजाया, प्रभु मोरे अवगुण चितन धरो, संदर्शी है तो नाम तुम्हारो, चाहे तो पार करो, और हम समझते आज के सारे पाप साफ और फिर से वही घोड़ा और वही मैदान। गंगा में गए, डुबकी लगाई या मुनि महाराज के पास आपके चरण स्पर्श किया। बंधु और बहनों, धर्म का दूसरा आयाम है इससे भी अधिक महत्वपूर्ण, वह है जीवन में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का समावेश। अगर हमने नैतिक और चारित्रिक मूल्यों की ओर ध्यान दिया होता तो देश और समाज की इस प्रकार की स्थितियां नहीं होती। और उससे भी आगे की बात है, वह है जीवन में अध्यात्म का अवतरण। इसलिए मैं अनेक बार कहता हूं, आज अपेक्षा है धर्म को अध्यात्म से जोड़ा जाए, धर्म को सामाजिक सेवा से जोड़ा जाए और धर्म को सामाजिक कुरीतियों के निवारण का माध्यम बनाया जाए। हमारे भाई शमीम साहब कह रहे थे, हमारे इमाम साहब और हम लोग वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट में इकट्ठे हुए, सॉल्ट लेक सिटी में 80 देशों के 10,000 लोग वहां पर थे, और जिसमें हम भारत के जो है जैन मुनि के रूप में मैं था, ये इस्लाम की ओर से थे, हमारे अकाल तख्त के थे, बौद्ध धर्म से थे, हिंदू धर्म के थे, और सबसे बड़ी बात कि हमारा भारतीय डेलीगेशन जहां से भी गुजरता हाथ में हाथ थामे हुए, सारे कैमरों की नजर उधर हो जाती कि ये क्या बात है, एक इमाम और जैन मुनि। अभी भी आपने देखा, ये कोई औपचारिक नहीं, ये ही हिंदुस्तान है, यही भारत है, और हमारा भारत जो है जिसकी अनेकता में एकता विशेषता है, सर्वधर्म जिसका सद्भाव मूल मंत्र है, उसकी सुरक्षा के लिए हम सबको जागरूक होना है। हम अपने अपने ढंग से व्याख्या करते हैं मानवाधिकारों की, कुछ बात में हम थे यूनाइटेड नेशंस तक को खींच डालते हैं,
उसकी खिंचाई भी कर डालते हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर हम चुप हो जाते हैं, अनजान हो जाते हैं, जो आज हमारे यहाँ पर जीवंत हैं, क्योंकि अगर हम वो कुछ बोलेंगे हमारी वोट बैंक पे असर हो जाएगा। आज महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है, उस सरकार ने जवाब खोलती है हमारी पार्लियामेंट 50% जो है क्यों नहीं हो रही, गांव को अधिकार देती है, उस पर हम चुप हो जाते हैं, उस पर हम सारे एकजुट हो जाते हैं। और जब हमारा वेतन बढ़ाना हो हम सब एक मिनट के अंदर सब उसको पास करा देते हैं, और जब हमारे पास नहीं सकता है, बड़े ही मानवाधिकारों के नाम पर महिलाओं का शोषण होता है, अत्याचार होता है, हिंसा होती है, हम वहां पर चुप रह जाते हैं। हम जो आ गए मानवाधिकारों के लिए, हमें सबसे पहले अपने अस्तित्व की तरह हम दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना सीखे, अपने विचारों की तरह हम दूसरों के विचारों का आदर और सम्मान करना सीखे। किंतु कठिनाई क्या है, हम अपने अपने चश्मे से देखते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अधिक लंबा नहीं समय नहीं लूंगा, नहीं तो समीम साहब का कार्यक्रम संकट में पड़ेगा। मैं हालांकि बीच में भी नहीं अंत में बोलना चाहता था, लेकिन मुझे सिर्फ 5 दिन पहले एक स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हुई। आपको पता है कि स्लिप डिस्क वाले को लंबे काल तक बैठने में कितनी कठिनाई हो सकती है, वरना मैं हालांकि अभी भी मैं कोशिश करूंगा, अगर स्वास्थ्य ने साथ दिया मैं पूरे समय बैठने का प्रयास करूंगा, किंतु मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा, अगर हमारी सोच सकारात्मक हो, हमारी थिंकिंग पॉजिटिव हो, हमारा भाव विधायक हो, हर चीज हमें ठीक दिखाई देगी और आगे बढ़ेगी। और अगर हमने अपने अपने चश्मे लगा लिए हैं, फिर तो वही बात एक मेले के अंदर एक हिंदू सन्यासी थे, उन्होंने कहा आज तो चिड़िया बड़ा अच्छा बोल रही है। तो किसी ने कहा कि चिड़िया का अच्छा और बुरा बोलना क्या भैया, बोले नहीं नहीं देखो आज तो चिड़िया कह रही है राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। हमारे मौलवी साहब एक उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने कहा जी चिड़िया की आवाज तो मुझे सुनाई दे रही है, चिड़िया तो कह रही है सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। एक किराने का व्यापारी हुआ था, उसने कहा चिड़िया की आवाज तो मुझे सुनाई दे रही है, चिड़िया तो कह रही है हल्दी मिर्च ढकरक, हल्दी मिर्च ढकरक, हल्दी मिर्च ढकरक। एक सब्जी वाला गुजर रहा था, उसने कहा चिड़िया की आवाज तो मुझे सुनाई दे रही है, चिड़िया तो कह रही है गाजर मूली अदरक, गाजर मूली अदरक, गाजर मूली अदरक। और वहां से एक पहलवान गुजर रहा था, उसने कहा चिड़िया की आवाज तो मुझे सुनाई दे रही है, चिड़िया तो कह रही है दंड मुदगर कसरत, दंड मुदगर कसरत, दंड मुदगर कसरत। कहने का अर्थ जाकी रही भावना जैसी, हमारी जैसी भीतर की भावधारा होती है, हमारा जैसा दृष्टिकोण होता है, हमारा जैसा नजरिया होता है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर हम अपनी नजर को बदल दें तो नजारा बदलते देखने लगेगी। और समीम साहब आपने जो ये समाज जगाई है, अजान साहब हमारे भाई अतुल जी ने बहुत ही सुंदर लास्ट में बैठते बैठते शेर कहा कि ये रोशनी जलाए रखी अब थोड़ा सा ही है, उजाला होने वाला है। चाहे उन्होंने दूसरे ढंग से, कुछ लोग कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं, उन्होंने अपने ढंग से कह दिया, हम सभी इंतजार कर रहे हैं, लाइनों में लगे वाले लोग भी इंतजार कर रहे हैं, हम यही आशा करें बंधुआ बहनों। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा, कभी कभी हम मन से ये कहते हैं कि हमें अपनी चीज का उपयोग नहीं करना, ये अधूरी बात है। आज भी आप चेक से उपयोग कर लीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, ड्राफ्ट निकलवा लीजिए, डेबिट कार्ड से कर दीजिए, क्रेडिट से कर दीजिए, कोई मना ही नहीं है, ये अधूरी बात है। संपूर्ण बात यह है कि 125 करोड़ हिंदुस्तानियों में से टैक्स चुकाने वाले बहुत कम है, और ये वर्षों की पड़ी हुई आदत को ठीक करना इतना सरल भी नहीं है। मैं तो आपसे कहूंगा बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है, गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। तो आइए बंधुओं, हमारे समीम साहब ने जो ये रोशनी जलाई है, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। उन्हें आज के इस अवसर पर जिन्हें भी अवार्ड दिया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है, एक से एक मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, पीछे कलम का धनी ललित गर्भ बैठा है सरस्वती के वर पुत्र की तरह, सामने देख रहा हूँ तो भव्य श्रीवास्तव बैठा, एक से एक ऐसी शख्सियत है, ये कुमार राकेश बैठे हैं। मुझे पता है कि किस तरह से इन्होंने कलम को कुदाल बना करके विकृतियों और बुराइयों को जड़ से उखाड़ने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। और इस मंच पर अनेक धर्मों के सभी लोग हैं, पुनः मैं सब आप सबका और समीम साहब आपको बधाई देते हुए अपनी बात को संपन्न कर रहा हूँ। ओम नमः।